हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का पार्ट वन, और इस पार्ट में हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले SSSC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप SSSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राउजर कार्यक्रमों से वेब संसाधनों को एक्सेस किया जाता है। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको आप एक टेस्ट के तरीके से लीजिए और लास्ट में टोटल स्कोर क्या मिला है, कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है वेब संसाधनों को एक्सेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, TCP प्रोटोकॉल की जगह UDP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा सकता है। तो TCP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP की बात करें तो एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो TCP की जगह UDP का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, फाइल का नाम बदलने के लिए रेन कमांड का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है MS-DOS से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, BGA को मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही। मोनोक्रोम मॉनिटर, या जो मॉनिटर होता है या डिस्प्ले यूनिट जो होता है, उसको हम मोनोक्रोम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। जो कि CRT मॉनिटर होता है, उसको भी हम मोनोक्रोम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर एक वाक्य या पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। तो आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर दे पाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सिरा और पृष्ठ के बीच कार्बन रिबन का प्रयोग होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, यहाँ पे हेड और पृष्ठ के बीच में एक रिबन होता है, कार्बन का रिबन, जिसको प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, gyanexp.@gmail.com एक सही ईमेल आईडी है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, और ये अक्सर SSSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, और इस तरह से यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी दे दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट है, इस तरीके से कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है कि इनमें से सही ईमेल आईडी क्या है, या फिर दिया गया ईमेल आईडी करेक्ट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दो बार डॉट का इस्तेमाल किया गया है। अगर ईमेल में कहीं भी एक से ज्यादा डॉट इस्तेमाल होता है एक साथ, तो वो ईमेल आईडी एक करेक्ट ईमेल आईडी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। और अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, और जबकि अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो वहां पे पेज ओरिएंटेशन जो डिफॉल्ट होता है वो होता है लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दे पाएंगे, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसको हम बोलते हैं टास्क बार, और आप इसे ड्रैग करके किसी दूसरे स्थान पे लेफ्ट राइट या टॉप पे ले जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कर्सर दो एरोज में दिखता है। तो अगर आप एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे टोटल 8 डॉट्स दिखते हैं, और यहाँ पे जब हम किसी
इमेज को ड्रैग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे फोर डायरेक्शंस में, चारों डायरेक्शन में एक एक एरो दिखता है कि आप किस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दो एरो दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में लोड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जब हमारा सिस्टम बूट करता है उस टाइम पे सेकेंडरी मेमोरी से डेटा प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में गलती से लिखे टेक्स्ट को कट करके दोबारा वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहां पे कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस वाई रीडू की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है, बस टोपोलॉजी में मुख्य केबल खराब हो जाने पर नेटवर्किंग संचालन बंद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही। बस टोपोलॉजी में मुख्य केबल के खराब होने पे पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन है, फुल डुप्लेक्स में संचार एक दिशा में होता है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये सब हम पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ एक साथ संचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट वीडियो तथा ऑडियो जोड़ा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, ये सभी हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नेटवर्कों को जोड़ने के लिए एनआईसी कार्ड का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि सिस्टम को या पीसी को नेटवर्क से जोड़ने के लिए एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पे लिखा हुआ है नेटवर्कों को जोड़ने के लिए एनआईसी कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, यहां पे हम ब्रिज या फिर गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी मॉनिटर की तुलना में सीआरटी मॉनिटर अधिक ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो आई होप ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, सीआरटी मॉनिटर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर साइज को पॉइंट्स में मापा जाता है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में AZ777 एक सेल नंबर है। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्ट नेम को आईपी एड्रेस से मैप करने की प्रक्रिया को एड्रेस रेजोल्यूशन कहा जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उसे अलग से जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का प्रयोग सिर्फ नंबर पर किया जा सकता है, टेक्स्ट पर नहीं। तो एक्सेल के वीडियोस में मैंने इस तरीके के सभी फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, इफ कैसे काम करता है वो मैंने प्रैक्टिकली बताया है। तो अगर आपने एक्सेल की वीडियोस देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दे पाएंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इफ फंक्शन को हम टेक्स्ट या नंबर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इंट और ट्रंक कुछ पहलू पर समान कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। इंट एक फंक्शन होता है जो कि किसी फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे कि लिखा हुआ है 123.9 या समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 56123.56 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 123। और इसी तरह ट्रंक फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ट्रंक फंक्शन क्या करता है, आपको कितनी डिजिट के नंबर्स को दिखाना है तो उसमें हम ट्रंक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ पहलुओं में क्या होता है, इंट और ट्रंक दोनों समान तरह से कार्य करते हैं, लेकिन हर केसेस में इंट और ट्रंक समान कार्य नहीं करते हैं, या फिर इनसे मिलने वाला रिजल्ट समान नहीं होता है। तो
तो यहां पे लिखा हुआ है कुछ पहलुओं पर समान कार्य करते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है बुलियन ऑपरेटरों का उपयोग आमतौर पर संकीर्ण और व्यापक खोज के लिए किया जाता है। तो बुलियन ऑपरेटर होते हैं जैसे कि एंड और नॉट, इस तरीके से कई अलग अलग ऑपरेटर्स को हम संकीर्ण या कॉम्प्लेक्स सर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर हेडर को मार्जिन एरिया में प्रिंट करता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ट्रू होगा। जो हेडर एरिया या फुटर एरिया होता है उसको प्रिंटर मार्जिन एरिया में प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है रैम को रीड एंड राइट मेमोरी और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि यहां लिखा हुआ है रीड एंड राइट मेमोरी, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है यदि आप चाहते हैं तो आप मेल सूची से आसानी से सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार आप देखते हैं अपने मेल बॉक्स में कई अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के मेल्स आपके पास आते रहते हैं, या कहीं पे किसी साइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ पे उस वेबसाइट से आपको कई सारी मेल्स आती रहते हैं, तो उसे आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब आप उस ईमेल को ओपन करते हैं तो सबसे लास्ट में आपको अनसब्सक्राइब का एक लिंक दिया रहता है, जिसपे क्लिक करके आप वहां से अपना ईमेल आईडी हटा सकते हैं या फिर उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है एचटीएमएल के स्थान पर पूर्व भाषा का प्रयोग आसान था। तो सबसे पहले अगर हम पिछली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनकी बात करें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी एज कम्पेयर टू आज की डेट में इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एचटीएमएल से पहले इस्तेमाल होने वाली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो एचटीएमएल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। और अगर आपने अभी तक ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस नहीं तैयार किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस तैयार कर सकते हैं। और साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे होम पेज पे एक ऑप्शन दिया है हिंदी और इंग्लिश में, आप टेस्ट दे सकते हैं, आपको हिंदी में हिंदी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंग्लिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और आप यहाँ पे जितनी बार टेस्ट देंगे उतनी बार आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, हर बार आपको 100 न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रयोग किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि एमएस वर्ड को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है लैन की अधिकतम स्पीड 300 Mbps या मेगाबाइट पर सेकेंड है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि लैन की स्पीड 1 Gbps तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है इथरनेट खंड या सेगमेंट रिपीटर द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो लैन या इथरनेट सेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए ब्रिज या गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई में हेडर और डेटा दोनों शामिल होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट 2003 में अधिकतम जूम 300% कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एमएस वर्ड जूम की बात करें तो मैक्सिमम होता है 500% और मिनिमम होता है 10%, जबकि अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो इसमें अधिकतम जूम होता है 400%, और इसी तरह से एमएस एक्सेल में भी अधिकतम जूम 400% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को एमएस पावर पॉइंट में लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन की हेल्प से हम यहाँ पे
ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल डेटा को भेजने से पहले छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल डेटा को सेंड करने से पहले उसे पैकेट्स में ब्रेक करता है, उसके बाद उसे सेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, ई और एस का अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, आइदर और सर्वाइवर। अगला क्वेश्चन है, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से संचार होता है पर एक साथ नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में एक साथ दोनों दिशाओं में संचार होता है। तो अगला क्वेश्चन है, वैन में लैन की अपेक्षा त्रुटियां कम होती हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि वैन में लैन की अपेक्षा ज्यादा त्रुटियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी स्लाइड डिलीट करने की शॉर्टकट की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की शॉर्टकट की होती है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अंग है या पार्ट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, इस वजह से ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट या पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी मीडिया बहुत सारे मीडिया का मिश्रण है जिसमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज ये सभी होते हैं, एनिमेशंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम कंट्रोल आइकन नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पे टाइम और डेट दिखता है, ये एरिया को हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। और यहां पे लिखा हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल आइकन नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क 127.0.0.0 आपके लोकल आईपी ट्रैफिक होस्ट के लिए आरक्षित होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 127 से स्टार्ट होने वाले आईपी एड्रेस को हम लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, और ये रिजर्व होते हैं, इनको नेटवर्क टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट होने के बाद ही वर्तनी और ग्रामर चेक का उपयोग हो सकता है। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक क्या टेक्स्ट होने के बाद ही चेक कर सकते हैं या इन ऑप्शंस का उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। आप इस ऑप्शन को बिना टेक्स्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार की ग्रामर मिस्टेक या वर्तनी मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं होगी। वहां पे 00 के फॉर्म में सारे एरर शो करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कई कंप्यूटर किसी एक प्रिंटर से जुड़े होते हैं तब एक साथ प्रिंट दिया जा सकता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगर किसी एक प्रिंटर के साथ कई अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े हैं तो एक साथ सभी प्रिंटर प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होगी, जिसने सबसे पहले अपना बटन प्रिंट का बटन प्रेस किया होगा, उसका प्रिंट सबसे पहले निकलेगा। इस तरीके से क्यू में उनके प्रिंट्स निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और आपको पता होगा स्टार टोपोलॉजी में हब या फिर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सभी सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। जबकि अगर हम मेस टोपोलॉजी की बात करें तो मेस टोपोलॉजी में सभी सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा मेस टोपोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में संख्या सेल के दाएं तरफ और टेक्स्ट सेल के बाएं तरफ अलाइन होते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में किसी पिक्चर या इमेज को बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि किसी इमेज या पिक्चर को हम स्लाइड के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल को स्प्लिट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। हम सेल को स्प्लिट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट की गई सेल को मर्ज भी किया जा सकता है। और आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, .dmp.bmp.jpg और .gif में .dmp सबसे अलग है क्योंकि यह पिक्चर नहीं रखता। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो .dmp एक डम्प फाइल का एक्सटेंशन होता है, जबकि bmp, jpg या फिर gif इमेज फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही। ओके, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप अगस्त में CCC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने CCC का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर CCC न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप CCC का सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। और मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन, अगर आप CCC एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज किसी भी ट्रिक पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो लोग ऐसा बताते हैं वो सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। किसी भी एग्जाम को पास करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको हमारे चैनल पे बहुत से वीडियोस मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस मंथ के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस मिल जाएंगे। अप्रॉक्स 350+ वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे जो सिर्फ CCC से रिलेटेड हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो एक अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो कोशिश करें सिलेबस कंप्लीट करने की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें। एक बार में आप CCC का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं, info@gmail.com। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।